एपिसोड की शुरुआत में मार्शल जिलांग अपनी ग्रुप के साथ एलिफेंट क्लैन की चीफ पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और उन पर अटैक करने आगे बढ़ता है। यह देखकर एलिफेंट क्लैन की चीफ अपनी परमिशन को हटाकर आर्मी को आगे बेचता है और इसी वक्त विंड स्वॉट ट्राइब का चीफ टियांडो आर्मी पर स्वॉट बरसाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों आर्मी के बीच आइकॉनिक बैटल स्टार्ट होने लगते हैं, जिसमें लगातार टियांडो आर्मी के ट्रूप्स मारे जा रहे होते हैं। इन सब की मरने के पीछे सबसे बड़ा हाथ एलिफेंट क्लैन की चीफ का होता है, क्योंकि उनकी सोल बेस्ट ज्यादा नुकसान कर रहे होते हैं और साथ ही विंड स्वॉट ट्राइब चीफ अपनी स्वॉट का इस्तेमाल करते हुए टियांडो आर्मी के कई सारे लोगों को एक ही झटके में खत्म कर देते हैं। यह देखकर एलिफेंट क्लैन के बाकी लोग भी आगे बढ़कर टियांडो आर्मी को खत्म करने लगते हैं, जिसके बाद विंड स्वॉट ट्राइब के चीफ अपनी लोगों के साथ मिलकर लाइटिंग फॉर्मेशन बनाता है, जिसके बाद इस अटैक को वह टियांडो आर्मी के दो ग्रुप पर छोड़ देता है, जिसकी वजह से टियांडो आर्मी के फ्रंट लाइन लगभग दबा हो जाती है, जो देखकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं उनका डिफेंस हमारे सारे अटैक को झेल सकता है और वही उनके फ्रंट लाइन पर दूसरा मौका मिलने पर हमारे आर्मी पर अटैक कर सकते हैं, इसलिए उनके अटैक और डिफेंस बहुत ही अच्छा है। जिस पर मार्शल जिलांग कहते हैं हमारे सेना के लोग उनके फ्रंट लाइन देखकर इधर उधर भाग रहे हैं, इसलिए यह सिचुएशन हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। तभी टैंक्शन इन दोनों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी मिलिट्री फोर्सेस पर अटैक करूँ और उनके डिफेंस को तोड़ दो। इस पर मार्शल जिलांग कहते हैं क्या तुम्हें पता है उन्हें वो डिफेंसिव फील्ड बनाई है, उसमें पूरे एलिफेंट क्लैन की पावर लगे हुए हैं। तो टैंक्शन कहता है हाँ मुझे पता है, मैं उसे निपट सकता हूँ। इसके बाद टैंक्शन सबको ऑर्डर देता है कि जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ अब तक तुम सब ग्रैंड मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करोगे, जिस पर सभी सोल्जर तैयार हो जाते हैं। तभी डाय मुंबई कहता है टैंक्शन तुम बोलो मत, श्रेक 7 डेविल्स भी तैयार है। तभी वहाँ पर पोसन मास्टर भी पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि तुम बोलो मत, इस जंग में मुझसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं है। जिस पर टैंक्शन इन सभी लोगों को अपने साथ बुलाता है, जिसके बाद वो अपनी सी गॉड ट्राइडेंट को बाहर निकाल लेता है और सभी लोग आगे बढ़ते हैं। इस पर बबीडोंग कहते हैं टैंक्शन जैसा कि मैंने सोचा था आखिर में तुम आ ही गई। तभी हम देखते हैं वहाँ पर अचानक से अंधेरा होने लगता है, जिसके बाद वहाँ पर दो पावरफुल ग्रेट मास्टर की एंट्री होती है। यह दोनों सीधा बबीडोंग के पास आते हैं और कहते हैं हम दोनों यहाँ आपकी हेल्प के लिए आए हैं। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाई जाता है जहाँ क्वीन डॉलुओ ने इन दोनों को बबीडोंग की मदद के लिए भेजा होता है, क्योंकि इन दोनों को युद्ध के बारे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस। इसके बाद बबीडोंग सोचती है यह दोनों सही टाइम पर आए हैं, क्योंकि इस समय टैंक्शन से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं बबीडोंग अपनी विंग्स को बाहर निकाल लेते हैं और उड़ते हुए कहते हैं अगर टैंक्शन नहीं रहेगा तो उनके आर्मी बस लोगों की भीड़ बनकर रह जाएगी। इसके बाद वो सभी एल्डर्स को लेकर आगे बढ़ जाती है। वही हम देखते हैं कि एलिफेंट क्लैन अभी भी टियांडो आर्मी के तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जिनके साथ विंड स्वॉट ट्राइब के चीफ लगातार आगे बढ़ रहा होता है। वही हम देखते हैं कि टैंक्शन भी अपनी ग्रुप के साथ आगे बढ़ता है और रॉन्ग रॉन्ग से कहता है तुम स्पोर्ट टाइप की स्पिरिट मास्टर होने के साथ तुम अभी स्पिरिट डॉलुओ पर हो, इसलिए मार्शल आर्मी तुम्हारे ऊपर अटैक करने की कोशिश जरूर करेगी, जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा खतरा होगा, इसलिए तुम यहीं पर रुको और यहीं से हमें स्पोर्ट करो। तो रॉन्ग रॉन्ग कहते हैं टैंक्शन तुम मेरी चिंता मत करो, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तो टैंक्शन उन सभी को कहता है जैसे ही मैं उनकी डिफेंस को तोड़ दूँ वैसे भी तुम सभी आगे बढ़ जाना, लेकिन फिर भी तुम सभी लोग सावधान रहना क्योंकि वो ग्रुप अटैक में माहिर है। फिर टैंक्शन आगे बढ़ते हुए टैंगर्मी को ऑर्डर देता है जल्दी से डिपेंड्स यू परमिशन बनाओ और रॉन्ग रॉन्ग को प्रोटेक्ट करो। फिर हम देखते हैं रॉन्ग रॉन्ग अपने पगोडा को बाहर निकाल लेते हैं, जैसे निकले वाली लाइट इतना ज्यादा होती है कि जिसे दोनों आर्मी के लोग बड़े आसानी से देख पाते हैं। वही टैंक सेक्ट के सोल्जर्स उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड बना देते हैं। तभी टैंक्शन देखता है कि टियांडो आर्मी के पहले घुड़सवार सेना जो अटैक करने के लिए आगे बढ़े थे वो अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर टैंक्शन सोचने लग जाता है
हमने घुड़सवार को पहले छोड़ा था, वो लोग भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाए और टैंक सेक्ट के क्रॉसबो को भी उन्होंने रोक दिया। इस तरह से लगातार हमारे दो अटैक फेल हो चुके हैं, जिसकी वजह से टियांडो आर्मी का जोश कम होता जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि टैंक्शन सोल्जर्स को मारते हुए आगे बढ़ता है और वही डाई मुंबई इसको हेल्प कर रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि टैंक्शन सी गॉड लाइट को इकट्ठा करने लगता है और कहता है कि हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए सही जगह पर सही आदमी को मारना होगा। वही एलिफेंट क्लैन की चीफ इस ट्राइडेंट को देखकर होता है। बबीडोंग ने बताया था यह गॉड का वेपन है, इसलिए मैं इसे देखना चाहूंगा कि इसकी अटैक में कितनी पावर है। इसके बाद में अपनी स्पिरिट को बाहर बुला लेता है। वही हम देखते हैं टैंक्शन सीधा एलिफेंट क्लैन की चीफ पर टारगेट करता है और बहुत भयानक से उनके तरफ छोड़ देता है। उसके बाद हम देखते हैं ट्राइडेंट अपने सामने आने वाली हर एक चीज को काटता हुआ जा रहा होता है, जिसे एलिफेंट क्लैन की कई सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद ट्राइडेंट सीधा उनकी आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि बबीडोंग भी उनकी तरफ से तेजी से बढ़ रहे होती हैं, लेकिन तब तक वह डिफेंस शील्ड टूट जाते हैं। यह देख करके एलिफेंट क्लैन की चीफ हैरान होता है और वो अभी भी ट्राइडेंट उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। इस पर वो अपनी सारी सोल रिंग को बाहर निकाल लेता है और अपनी एट स्पिरिट रिंग का इस्तेमाल करता है। तभी बबीडोंग चिल्लाते हैं कि तुम उसे रोकने की कोशिश मत करना, लेकिन तब तक देर हो जाती है और हम देखते हैं कि एलिफेंट क्लैन की चीफ मारा जाता है, क्योंकि ट्राइडेंट उनके शीर की आर पार हो जाता है। इससे एलिफेंट क्लैन की चीफ का डिपेंड बेकार होने लगता है, जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद टैंक्शन को ऐसा करते देखकर मार्शल जिलांग कहते हैं, टैंक्शन ने सिर्फ एक ही अटैक से बिना किसी स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल किए एलिफेंट क्लैन की चीफ मार दिया और अब मुझे पता चल गया है टैंक्शन की पावर सच में टेरिफाइंग है। एम्परर सुबैंग उन्हें इतनी रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? और वही टैंक्शन हुआन एम्पायर की फ्रंट लाइन में उतर कर अपनी ब्लू सिल्वर एम्परर के प्लांट से उन्हें मारने लगता है। इस पर मार्शल जिलांग ग्रैंड मास्टर से कहते हैं, अब मार्शल एम्पायर का डिफेंस टूट चुका है, इसलिए अब क्या आप हमें क्या करना चाहिए? इस पर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, जनरल जिलांग इतनी जल्दी मत कीजिए, क्योंकि अभी भी टाइम नहीं आया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टैंक्शन वहां से एलिफेंट क्लैन की चीफ के लिए गया था और वो जरूर वहां कुछ ना कुछ करने गया है। हालांकि वहां अभी भी स्वॉर्ड सेक्ट बिल्कुल सुरक्षित है, जिसके पास कई सारे पावरफुल सोल मास्टर हैं। अगर टैंक्शन उन्हें भी मार देता है तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह से मार्शल एम्पायर की फ्रंटलाइन के होने का भी कोई मतलब नहीं रह पाएगा। तभी हम देखते हैं टैंक्शन फिर से ट्राइडेंट को बाहर निकाल लेता है। यह देख करके मार्शल एम्पायर के फ्रंटलाइन डरने लगती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना।